खुदा कॉम्प्लीटेड। तो भाई कैसे हो सभी, गर्मी में कैसा चल रहा है तुम्हारा हालचाल? मेरा इधर तो बहुत हार्ड गर्मी है, थोड़ा सा वर्कआउट कर रहा हूँ और थक जा रहा हूँ, बाकी तो कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा है। बट कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ज़रूरी है क्योंकि उसी से इम्प्रूवमेंट होता है भाई। भाई आज मैं सोचा हूँ कि फिर से साइड फ्लिप को सीखने वाला हूँ। मैं काफ़ी दिन हो गया साइड फ्लिप को छोड़ दिया हूँ, एकदम दम लगा के ट्राई करेंगे और पता नहीं क्या होगा। सो एंजॉय करो वीडियो को। भाई लगभग 1 से 2 महीना हो गया मैं साइड फ्लिप को प्रैक्टिस करना एकदम ही छोड़ दिया हूँ और मुझे कोई आइडिया नहीं है साइड फ्लिप का रोटेशन के बारे में। दोस्तों मैं जब पहले साइड फ्लिप को करता था उसमें मेरा टेक्निक थोड़ा बहुत गलत था, क्योंकि वो साइड फ्लिप तो नहीं लग रहा था, वो थोड़ा सा फ्रंट फ्लिप की तरह लग रहा था। तो भाई इस टेक्निक को सुधारने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि एरियल का जो साइडवेज मोमेंटम होता है उस मोमेंटम को यूज़ किया जाए साइड फ्लिप को करने के लिए, मतलब उसमें थोड़ा सा टक ऐड कर देंगे तो साइड फ्लिप हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है और उसी तरीके से मैं प्रैक्टिस करने का कोशिश कर रहा हूँ। बल्कि दोस्तों ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट जाओ और साइड फ्लिप के लिए कूद जाओ, वो भी इस तरीके का ज़मीन पे, क्योंकि चोट लगने का चांस पूरा भरपूर होता है इस तरीके का ज़मीन पे अगर प्रैक्टिस करें तो। अगर मेरे पास कोई अच्छा गद्दा वगैरह होता तो मैं शायद कूद भी देता साइड फ्लिप के लिए, बट वैसा तो नहीं है, इतना बढ़िया तो सेफ प्लेस मेरे पास नहीं है, तो मेरे को खोद के ये वाला सेफ प्लेस बनाना पड़ा और इस खोदने के वजह से मेरा एनर्जी भी पूरा डाउन हो चुका था, फिर भी मैं साइड फ्लिप का अटेम्प्ट कर रहा हूँ। बहुत सारे भाई बोलते हैं कि मेरे को फ्लिप में डर लगता है, फ्लिप नहीं कर पाता हूँ मैं, तो भाई आप मुझे देखो कि मैं साइड फ्लिप को कर पा रहा हूँ क्या? नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी डर रहा हूँ भाई। दोस्तों ये तो एरियल था, बट एरियल में धीरे धीरे टक करने का मैं सोच रहा हूँ, जिससे मुझे लग रहा है कि साइड फ्लिप हो सकता है, देखते हैं अभी। भाई तुम लोग कितने दिनों में साइड फ्लिप सीखे थे ये मुझे कमेंट में बताना, और कुछ टिप्स वगैरह होगा तो भी बता देना जिससे मैं इम्प्रूव करने का कोशिश करूँगा। थोड़ा सा कोशिश किया था मैंने टक करने का। भाई मैं ये जो बीच बीच में आप लोगों से बात कर रहा हूँ ये देख के मेरे को गुस्सा हो रहा है, क्योंकि तुम प्रैक्टिस करने गए थे या बातचीत करने गए थे भाई? मेरे को थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा है कि ये साइड फ्लिप जैसा हो रहा है, जब हवा में रह रहा हूँ ना तब मैं टक ऐसे कर रहा हूँ, क्योंकि टक करने में थोड़ा सा डर लग रहा है, बट ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा साइड फ्लिप की तरह मोमेंटम जनरेट हो रहा है। बाकी तो मैं बहुत ज़्यादा बक रहा हूँ, मेरा बकने का आदत मुझको गायब करना है, जिसके लिए प्रैक्टिस करना है भाई। तो चलो दूसरे एंगल से दिखाते हैं आप लोगों को। भाई आप तुम्हें बताते हैं फ्लिपिंग ट्यूटोरियल की बात। फ्लिपिंग ट्यूटोरियल में सभी एक ही जैसा तरीका बताते हैं कि इस तरीके से तुम फ्लिप को कर सकते हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि तुम फ्लिप को कई तरीके से कर सकते हो भाई। अगर तुम्हारा सीखने का मन है तो तुम शायद उसे कई अलग अलग अतरंगी तरीके से भी कर लोगे, और इसमें फ्लिप ट्यूटोरियल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा तुमको। लैंडिंग बेकार आ रहा है भाई, इसमें थोड़ा सा पैर में इंजरी होने का चांसेस हो रहा है। एक बंदा जो कि एक तरीके से फ्लिप को सीखा है और वो अपना एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा है तुम लोगों के साथ ट्यूटोरियल वीडियो के माध्यम से, फिर तुम उसका ट्रिक को फॉलो करने लगते हो और बाय चांस नहीं होता है तो तुम डिमोटिवेट हो जाते हो और फिर किसी दूसरे यूट्यूबर के पास जाते हो और बोलते हो कि मेरा नहीं हो रहा है फ्लिप, मेरे को फ्लिप सिखा दो, इसका ट्यूटोरियल बना दो। तो भाई ऐसे तुम बिल्कुल भी फ्लिप को नहीं सीखने वाले हो, तुम अपना प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करो, और ट्यूटोरियल वीडियो देखने से अच्छा है तुम प्रोग्रेशन वीडियो देखो, जिससे तुम्हें बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा फ्लिप को कैसे करना है। तो भाई साइड फ्लिप का डे 1 ख़त्म। देखो कुछ सीखने के लिए तो कुछ खोना भी पड़ता है, मुझे अगर साइड फ्लिप को सीखना होगा तो मुझे थोड़ा सा टाइम तो इन्वेस्ट करना ही होगा इसमें, बाकी तो एक दिन में ये सीखने का काम नहीं है। ये वाला चीज़ मतलब थोड़ा सा माइंड और मसल मेमोरी में कनेक्शन बैठेगा तभी मैं इसे सीख पाऊंगा दोस्तों। बट दोस्तों आज मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया हूँ, मतलब थोड़ा सा टक करने का कोशिश कर रहा था उसमें, तो वही मेरे लिए बहुत प्रोग्रेस है। और दोस्तों यहाँ पे जितना गर्मी पड़ रहा है ना इसके हिसाब से उतना वर्कआउट भी नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा बीच बीच में हवा ववा दे रहा है जिसके कारण मैं कर पा रहा हूँ ज़्यादा देर तक, बट फिर भी बहुत हार्ड हो रहा है भाई। अभी तो देख सकते हो कि पूरा पसीना हो गया, कल अगर तुम देखते हैं तो मेरा हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका, मतलब इतना ज़्यादा वर्कआउट किया था और इतना ज़्यादा पसीना पसीना हो गया था। तो भाई तुम बताना कि तुम्हारे उधर कैसा गर्मी है, कैसा टेम्परेचर वगैरह कैसा है, और तुम कितना वर्कआउट कर पाते हो या फिर नहीं उस गर्मी में, ये मुझे कमेंट में बताना। तो
तो भाई मिलते हैं किसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो, बाय।